नागपुर और विदर्भ सहित समूचे मध्य भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप छाया हुआ है। विगत 72 घंटों से यह इलाके हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं और अगले 48 घंटों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आज 8.3 डिग्री सेल्सियस के साथ नागपुर विदर्भ में सबसे ठंडा रहा, जबकि मध्य भारत की बात करें तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ टॉप पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ को गुरुवार 27 जनवरी तथा शुक्रवार 28 जनवरी को भी शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश में भीषण ठंड पड़ने की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ में 28 तक तथा पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक शीतलहर चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विदर्भ में 29 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। विगत कुछ दिनों से विदर्भ में भीषण ठंड पड़ रही है। गुरुवार सुबह नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम रहा। आकुला का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 10 सेल्सियस, बुल्डाना 8.8 सेल्सियस, ब्रह्मपुरी 9.8 सेल्सियस, चंद्रपुर 11.4 सेल्सियस, गढ़चिरौली 11 सेल्सियस, गोंदिया 8.8 सेल्सियस, नागपुर 8.3 सेल्सियस, वर्धा 9.4 सेल्सियस, वाशिम 12 सेल्सियस तथा यवतमाल का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।